असल जी मेरा नाम मालिश फारुक है चाइना में मुनदद किया गया थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम जिसमें दुनिया भर के डेलीगेट्स दुनिया भर के लीडर्स ऑफ देयर कंट्रीज और डिफरेंट किस्म के लोगों ने जो है वहाँ पार्टिसिपेट किया और मोर देन सिक्स थाउजेंड डेलीगेट्स वर देयर एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैड एन आई ऑन प्रेजेंट शी इन पिंग स्पीच एंड दे वॉन्टिड टू नो कि वो क्या बात करेंगे किस तरह का आगे का रोड मैप देंगे क्योंकि पिछले दस साल में 2013 से लेकर 2023 तक जिस तरीके से पूरी दुनिया को जोड़ा गया है स्पेशली एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करने के लिए तो उसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की स्पीच जो है वो आगे का लाहेमल अगले 10 सालों का क्या देगी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फोरम ही गेव हि स्पीच एंड इट वॉज इन डीड स्पीच ऑफ अ स्टेट्समैन क्योंकि उस स्पीच में उन्होंने वो आठ पॉइंट्स बताए जिसमें जिसके ऊपर चल के जो है वो आगे का लाहेमल और आगे का जो रास्ता है वो बेल्ट एंड रोड फोरम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए तय करेगा और किस तरह से ममालिक आपस में आगे चलेंगे आज की वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे प्रेजेंट शी जिनपिंग ने डेवलपमेंट की ज़्यादातर बात की और उनका एम्फिस इसी चीज़ पे था क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो इस फोरम का हिस्सा है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है तो आगे का लाल जो है वो कनेक्टिविटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन के तहत जो है वो आगे चलाई जाएगी तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मेरे नज़दीक इस फोरम में थी वो ये थी कि प्रेजडेंट शी जिन शी जिनपिंग ने कहा कि हम हम लोग ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स है उसको रद्द करते हैं उसको हम लोग सिरे से ख़ारिज करते हैं क्योंकि हम लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते पूरी दुनिया हमारे लिए जो है वो एक बराबर है एंड वी डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ ब्लॉक पॉलिटिक्स कज़ वी डोंट वॉन्ट टू सिंपली गेट इन्वॉल्व इन इट उनका हमेशा से फोकस यही रहा है और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये रिअफर्म किया कि हम लोग जो है वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पीपल टू तो पीपल कनेक्शन उस पर फोकस करेंगे और इकोनॉमिक फ़ायदा ममालिक को किस तरह से हो सकता है इस पर हम लोगों का एम्फोसिस होगा तो जिस तरह से हम लोगों ने माजी में देखा कि ब्लॉक्स बनते थे कोल्ड वार्स होती थी प्रेजेंट प्रेजेंटीटन बिग ने उसको सिरे से खारिज किया और बी जो था थर्ड बी जो था वो उस चीज़ की अक्सी थी क्योंकि पूरी दुनिया की पार्टिसिपेशन इस फोरम में थी तो ये एक बहुत मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दूसरा चाइना ने यह अनाउंस किया कि चाइना डेवलपमेंट बैंक जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बनाया जाएगा और उसकी जो फाइनेंसिंग होगी दैट विल बी फोर्टी बिलियन डॉलर्स की फर्स्ट विंडो फाइनेंसिंग होगी और वो फाइनेंसिंग जो है दैट विल मेक श्योर कि जिस तरह से बी के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं वो पूरी तरीके से कम्प्लीट हों और उसमें कोई रुकावट ना आए और आगे के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी फाइनेंसिंग जो है वो स्मूथली हो इस पर वो जिस जगह पर यह बैंक जो है इस तरह के बैंक बनेंगे उसकी जो जो, जो तरीक़ाकार होगा वो उस मुल्क के साथ मिलकर तय किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और फाइनेंसिंग की कमी जो है वो ना हो तो इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वॉज पिचड बाई प्रशीज इन इन स्पीच एंड इट वॉज मोस्टली वेलकम बाईस्ट ऑल द कंट्रीज क्योंकि फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा है और अगर इस तरह का कोई तरीके का जो है वो बन जाता है तो फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो के डेवलपमेंट की तरफ आसानी से कदम उठाया जा सकेगा तीसरा मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रेजेंट शी जिनपिंग ने कहा था कि चाइना को वो कनेक्ट करना चाहते हैं यूरोप के साथ थ्रू तो रेल तो चाइना यूरोप रेल एक्सप्रेस जो है उसके अनाउंसमेंट प्रेजेंट शी जिनपिंग की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि इस पर काम जो है वो तेज़ी से होना चाहिए और बी का जो एक विजन था कि चाइना को कनेक्ट करना है यूरोप के साथ थ्रू एशिया सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट तो वो जो है एक प्रोग्राम दिया गया और ट्रेन सिस्टम अगर इस तरह का बन जाता है एक्सप्रेस ट्रेन सिस्टम बन जाता है तो एक तो ट्रेड बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और जो काम फॉर अगर दस रुपये में होता था तो वो घट के एक सवा एक दो रुपये का हो जाएगा तो ट्रेड जो है वो आ, जो है करना इजी हो जाएगी यूरोप के साथ जिससे ना ही सिर्फ चाइना को फ़ायदा होगा बल्कि जो जिस जिस मुल्क से वो रेल सिस्टम गुजरेगा उस उस मुल्क को फ़ायदा होगा और चाइना और यूरोप जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लान है और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिस पर चाइना काम करना शुरू करेगा विद द पार्टनरिंग कंट्रीज ऑफ बी आर आई इन विच इन माई ओपिनियन इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर मैन काइंड क्योंकि इंटर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वैन यू ट्रैवल वैन यू ट्रैवल विद अदर पीपल जो कि डिफरेंट रिलीजन के हों डिफरेंट मुल्क के हों हो, तो आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं उनके कल्चर से वाकिफ़ होते हैं अपना कल्चर वहाँ प्रमोट कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में आगे आ, जो है वो आ, पुट फॉरवर्ड किया चौथा मेरे नज़दीक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि उनकी कोशिश यह होगी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है तरह के फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बने और दुनिया इज अ ग्लोबल विलेज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज एंड ही इन हिज स्पीच दैट इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि जो एम्बार्गोज तरह तरह के जो uh, सैक्शनस uh, लगे हों उनको ख़त्म किया जाए और ट्रेड जो है वो मुल्कों के बीच में आसान बनाई जाए और फ्री ट्रेड ज़ोन्स हो तो तरह तरह के जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं वो टैक्सेस जो हैं वो कम हो और ना ही सिर्फ चाइना का बल्कि पूरी दुनिया का इसमें फ़ायदा हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उनकी तरफ से आगे रखा गया साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिफरेंट के साथ जो है वो टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा टूरिज़म टूरिज़म कापरेशन बनाएंगे डिफरेंट ममालिक में यूरोप में सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान में कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाए और टूरिज्म को प्रमोट करने से जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस था दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं शी ने अपनी स्पीच में की उनमें उसमें एक बात तो ये थी कि प्रजिडेंट ने कहा कि हम लोग जो हैं वो ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा होगा क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा होगा हम लोग जो है जो यू के जो ग्रीन डिवेलपमेंट प्रोग्राम है उसकी पूरी की पूरी तरह से उसको सपोर्ट करते हैं और ट्वेंटी तक जो टारगेट सेट किए गए हैं हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनसे पहले उन टारगेट्स को अचीव कर लें और हम लोगों ने हाल ही में देखा कि जितने भी चाइनीज़ प्रोग्राम्स आ रहे हैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइनीज़ कार कंपनीज हैं दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन डिवेल्प डेवलपमेंट ग्रीन इनवायरमेंट और वो जो है जिस तरह की अगर उनकी गाड़ियाँ भी देखें तो चाइना में जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स का रुझान पाया जा रहा है और तेज़ी से उनकी कंपनीज ऊपर जा रही हैं तो ये अक्सी करता है इस बात की कि चाइना जो है वो ग्रीन डिवेलपमेंट की तरफ बड़ा सीरियस सोच रहा है और ना ही सिर्फ इकनॉमिक डिवेलपमेंट की तरफ बल्कि उनका फोकस हमेशा से यही रहा है और पिछले कुछ अरसें में यही चीज़ देखी जा रही है कि अपनी इन्वायरमेंट को भी वो उसी तरह फ़ोकस कर रहे हैं जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फ़ोकस कर रहे हैं तो ये चाइना अगर ये स्टेप लेगा तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत zyada ज़रूरी बात और दूसरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि हम लोगों का फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू थिंग इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द न्यू गोल्ड और उस चीज़ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तरह तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब्स जो हैं बनाए जाएंगे इन द पार्टनरिंग कंट्रीज़ ऑफ़ बी इंक्लूडिंग चाइना एंड मैनी अदर कंट्रीज़ एंड आई होप दैट पाकिस्तान विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज पाकिस्तान इज अंग पॉपुलेशन पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन इज़ अराउंड सिक्सटी ऑफ़ द टोटल पॉपुलेशन वी फर्मली यू नो बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वी कैन फोकस ऑन इट और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम लोग फोकस करके तरक्की करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात प्रेजेंट शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच में की। तो पूरी की पूरी स्पीच में अगर आप लोग देखें तो इकोनॉमी से लेके ग्रीन डेवलपमेंट से लेके सा टेक्नोलॉजी से लेके टूरिज्म से लेकर रेल एक्सप्रेस से लेके ट्रेड से लेके सारी चीजों पर प्रेजेंट शी जिनपिंग ने फोकस किया और इट वॉज इंडीड स्पीच ऑफ अ स्टेट्समैन और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को अपने इस प्रोग्राम में जोड़ा तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर हम सबको नजर आई हम सबको मिली कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में दुनिया जो है वो तरक्की करेगी और यूरोप तक जो है हम लोग इसको चाइना से यूरोप तक जो है वो एक कनेक्ट करेंगे इस इस पूरे ख़ते को इस पूरे रीजन को और एशिया और यूरोप का जो एक कनेक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करेंगे लेकिन उसके लिए मेरे नज़दीक शर्त यह है कि जो वेस्टर्न प्रोपागेंडा फेक प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है दुनिया में हमेशा से चाइना को आ, की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हैंडल करने के लिए उस चीज़ को रोकना चाहिए क्योंकि चाइना की इकनॉमिक प्रोग्रेस से ही दुनिया की इकनॉमिक प्रोग्रेस uh, uh, जो है वो लिंक्ड है तो इस चीज़ पर मेन फोकस हम लोगों का होना चाहिए कि ये वेस्टर्न प्रोपोगेंडा जो है इसको जितना ज़्यादा कम कर सके जितना ज़्यादा डाउन प्ले कर सकें और जितना ज़्यादा असली पिक्चर जो है ट्रू पिक्चर जो है वो लोगों को दिखाई जा सके वो उतना बेहतर है तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रेजेंट शी जिनपिंग की स्पीच को प्रेजेंट शी जिनपिंग की स्पीच एक बहुत बड़ी स्पीच थी और दुनिया को एक उन्होंने लायामल दिया कि भैया किस तरह से चलेगा और आई होप जो उनकी स्पीच है उस पर सारे पार्टनरिंग कंट्रीज़ जो है वो दिल से अमल करें और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सारी की सारी दुनिया में हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही खुशहाली ममालिक में आ सकती है आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी बहुत शुक्रिया